हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब हम बात करेंगे। पहले हमने अपन ने गुण संधि पढ़ी थी। कौन संधि पढ़ी थी? गुण संधि। आवाज आ रही है आपको? ध्यान से सुनिए और समझिए। अब अपना क्रम बनता है वृद्धि संधि का। किसका बनता है? वृद्धि संधि का हमारा क्रम बनता है। जो हमारा वृद्धि संधि जो है हमारी, ये वृद्धि संधि में एक सूत्र लागू होता है, वो है वृद्धि रचि सूत्र है। और ये वृद्धि आदेश विधायक सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वृद्धि आदेश विधायक सूत्र। यानी कि वृद्धि आदेश होते हैं कुछ वर्ण। कैसे होते हैं वृद्धि वर्ण? कौन कौन से? आ, आई और औ। वृद्धि वर्ण है ये आ, आई और औ। गुण वर्ण कौन से थे? छोटा आ, ए और औ। वो गुण वर्ण थे। ये वृद्धि वर्ण है आ, आई और औ। बात समझ आ गया आपको? इस सूत्र से हमारा पहला नियम है, अ या के बाद में ए आई हो तो उन दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। क्या हो जाता है? आई। आई यानी आपकी जो दो मात्राएं आपको इस तरह से लगानी आनी चाहिए शब्द के ऊपर, ठीक है। तो देखिए एक प्लस एक उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ ये आ रहा है। तो ये जो अ है ये मिलेगा, क्या बनेगा? आई बनेगा। तो क्या लिखेंगे? एकैक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एकैक, ठीक है। एकैक क्योंकि यहाँ पर हमारा एक धन एक 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 शब्द बना, दो मात्रा है। यहाँ पर विषय है तो यहाँ पे आप विषय लगाएंगे। ध्यान रखें, ये देखो दो मात्रा आ रही है, आई की मात्रा हो गई। इसी तरह से आ धन ए तो बनेगा हमारा सदैव। क्या बनेगा? सदैव। आ धन ए इक्वल टू आई, तो सदैव। देखो यहाँ पर दो दो मात्रा आ गई। इसी तरह से सदैव में विषय नहीं लगेगा क्योंकि ये हमारा अव्यय है। अव्यय में विषय लग रहा है देवेश्वर्यम। देवेश्वर्यम को विच्छेद करेंगे, ये युगपद है, विच्छेद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर दो मात्रा आ रही है, जिस दो मात्रा जिस पर दो मात्रा हो उस वहीं से उसी वहीं से आपका विच्छेद होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा देव धन और फिर बाद में पीछे क्या निकलेगा? ऐश्वर्यम या ऐश्वर्यम। ऐश्वर्यम निकलेगा हमारा। ऐश्वर्यम शब्द होता है तो हम लिखेंगे ऐश्वर्यम। बात समझ आ गई आपको? देव धन ऐश्वर्यम। वापस चेक करते हैं, अ प्लस आई, ठीक है। हमारा नियम बन रहा है अ प्लस आई बराबर आई, ठीक है। इस तरह से हमारा ये नियम इस उदाहरण से चेक किया तो सही है, क्योंकि दोनों शब्दों का अर्थ सही होना चाहिए। देव प्लस ऐश्वर्य दोनों का अर्थ है। दो सार्थक पदों को संधि कहते हैं, ठीक है। अगर आप एक का अर्थ हो रहा है एक का नहीं अर्थ तो समझ लेना गलत है, संधि उच्चारण सही नहीं है। दोनों का अर्थ होना चाहिए, देव यानी देवता, ऐश्वर्य यानी, अच्छा आपको मालूम ही है तो दोनों का अर्थ पता होना चाहिए। देव धन ऐश्वर्य देवेश्वर्य, इस तरह से हमारा संधि युक्त और संधि विच्छेद है। इस तरह अगला देखते हैं सहसेव। सहसेव में विच्छेद करेंगे तो क्या होगा हमारा? अगर हम करेंगे सहस धन एव, एव का अर्थ है ही, सहस का अर्थ नहीं होता है इसलिए गलत है। अब यहाँ क्या करेंगे? सहसा। क्या करेंगे? सहसा। सहसा का होता है अचानक, आ प्लस ए बराबर आई। तो देखो सहसा धन एव हमारा विच्छेद।